आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शनिवार को कोर्ट से रिहा करने की अपील की। संजय सिंह के वकील ने कोर्ट से कहा, कथित दिल्ली शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें अब और रिहासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। संजय सिंह के वकील ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस एम के नागपाल के सामने दलील देते हुए कहा, संजय सिंह देश छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आगे की जांच के लिए संजय सिंह की जरूरत नहीं है, उनके खिलाफ जांच खत्म हो चुकी है। उन्होंने आगे कहा, जांच को समाप्त कर ईडी पहले ही संजय सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है, ऐसे में उन्हें हिरासत में रखकर पूछताछ करने की जरूरत नहीं है। तो वहीं ईडी ने कोर्ट से कहा, अभी जांच जारी है, अगर संजय सिंह को जमानत पर रिहा किया गया तो वो जांच में बाधा डाल सकते हैं और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। ईडी ने कोर्ट से कहा कि जमानत मिलने पर संजय सिंह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 12 दिसंबर को करेगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 4 अक्टूबर को संजय सिंह को गिरफ्तार किया था। ईडी ने आरोप लगाया था कि संजय सिंह ने दिल्ली शराब नीति मामले में कई शराब कारोबारियों को मदद पहुंचाई थी। इससे पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 7 दिनों तक के लिए बढ़ा दी थी। कोर्ट ने सोमवार को ईडी से संजय सिंह के वकील को पूरक आरोप पत्र की एक कॉपी उपलब्ध कराने के लिए भी कहा था। जैसे ही ईडी ने ये कहते हुए एक आवेदन दायर किया था कि पूरक आरोप पत्र में गवाहों के नाम गलती से उल्लेखित किए गए थे, कोर्ट ने एजेंसी को इन नामों वाली धाराओं को संशोधित करने की अनुमति दे दी।